तो यार आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना भूलना मत, और वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करो यार वीडियो को और शेयर करना वीडियो को। तो यार आज हम लोग खेलने वाले हैं डेओ वर्सेस स्क्वाड और मेरी सोलो वर्सेस स्क्वाड की क्लचेस की वीडियो। मैं लिंक पे और ऊपर आई बटन में दोनों में लिंक कर दूंगा। तो यार आज हम लोग उतरे हैं रोजोक फिर से, और यहाँ पर यार तुम्हारा भाई लूट वूट कर रहा होता हो तो मतलब पहले शुरुआत में ठीक ठाक लूट मिल ही जाती है यहाँ पर। मतलब मेरे साथ वाला कहता है स्कारल पड़ी है उसके पास, लेकिन अपने को यहीं पर मिल जाती है। तो अभी यार सीन ये होता है कि बंदे होते हैं ऊपर वाले तीन घरों में, और एक पे होती है डीपी। तो एक बंदा नीचे उतर चुका होता है जो कि बॉट मार रहा होता है, तो उसे डैमेज देने के लिए मैं थोड़ा सा मारता हूँ, पर वो बच जाता है वहाँ पर। अब मैं दोबारा इसे डैमेज देने के लिए आता हूँ, और इस बार उजी उठाता हूँ, बस दोबारा डैमेज देने के लिए आता हूँ। थोड़ा बहुत होता है लेकिन बच जाता है। तो अब यार सीन ये होता है कि एक वो बंदा ऊपर बैठा होता है, मैं इसे थोड़ा सा डैमेज देने के लिए पीक करता ही हूँ। तो भाई इसे तो छोड़ने का नहीं। अब यार मैं अपना डाउन हो गया होता हूँ, अब यहाँ पर मेरे साथ वाला आता है मेरे को देवर रिवाइव देने के लिए, और ये लोग सोच रहे होते हैं कि मेरा साथ वाला मेरे वाले हाउस में है, तो ये लोग रश नहीं मारते इतनी जल्दी। तो इसी बात का फ़ायदा होता है अपने को, मेरा साथ वाला तब तक आ जाता है। और मैं सीधे सीधे ऊपर जाता हूँ और सीधे जाके वहाँ अंदर एक कमरे में बैठ जाता हूँ, वहाँ पर रिवाइव लेता हूँ। वो धीरे धीरे करके पुशिंग कर रहे हैं ब्रो। तो यार सबसे पहले बार तो उसके किसी ने नॉक किया था मुझे। अब इसको भरने के बाद सीधे सीधे मैं डाउन चले जाता हूँ। अब यार डाउन चले जाता हूँ, मेरे को बंदूक की आवाज़ आ रही होती है सामने से और लेफ्ट से, तो अब सीधे सीधे लेफ्ट को रश मार देता है और यहाँ एक और बंदा मिलता है। अपने पे गॉड उजी थी ब्रो। अब यार इन लोगों को निपटाने के बाद अब सीन ये होता है कि अपने को ये एक और बॉट दिखता है। अब अपने को इनका आखिरी बंदा मिलता नहीं है यहाँ पे, बहुत देर तक हम लोग यहाँ खड़े रहते हैं, तो सोचते हैं यार सीधे सीधे इन्हें ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इन्हें ख़त्म वत्म करके यहाँ से निकल ही रहे होते, तभी मेरा साथ वाला बताता है कि यार यहाँ पर इसका आखिरी बंदा भी आ गया है। साथ वाले को उठा के यहाँ ऊपर को लेके आते हैं। अब जो पहला बंदा है सामने ये होता है बॉट, तो अब मैं सोचता हूँ ये असली बंदा है करके मैं नेट एट खींचता हूँ और सीधे फेंकता हूँ, तो साथ वाला मारता है। अब ये है असली बंदा। तो भैया इजीली हो गया रोज़ो खाली। अब आ रही थी यार स्कूल के अपार्टमेंट्स की तरफ आने की, तो अपार्टमेंट्स की तरफ वो इसलिए आते क्योंकि यहाँ पर हो रखा होता है ड्रॉप, किसी ने मंगा रखा होता है। अब यार ड्रॉप देखने के लिए अपन लोग सीधे जाहिर होते हैं, तभी मेरे साथ वाले वो कर देते हैं वो लोग नॉक सामने से। अब यार मैं देखने के लिए जाता हूँ एग्जैक्टली बंदे हैं कहाँ, तभी मैं सीधे छत पे जाता हूँ, यहाँ पर एक दो गोली चलाता हूँ उस पर। तो यार अपन को पता लग गया था कि सारे के सारे बंदे हैं कहाँ उसके, तो अब पारी थी सीधे अपने साथ वाले को बचाने के लिए, तो सीधे सीधे नीचे दौड़ता हूँ मैं और यहाँ पर अपने साथ वाले को रिवाइव देता हूँ। अब यार उन्हें मतलब उन्हें भी पता था कर गए कि ये दो ही हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था मैं उतरते हुए, तो वो लोग सीधे रश मारते थे, ऐसे भरते हैं इनको। ये तो बहुत इजीली भर देते हैं यहाँ पे। अब बारी थी यार साथ वाले को रिवाइव देने की, और यार साथ वाले को रिवाइव देने के बाद सीधे सीधे अब इनका मतलब जो ड्रॉप था वो अपना था। अब इनके ड्रॉप पे मिलती है तुम्हारे भाई को ओम, और उसके बाद सीधे सीधे चले जाते हैं एक नए ड्रॉप पे। अब इस ड्रॉप पे पहुँचते तो वहाँ ऑलरेडी लूट चल रही होती है, तो उन्हें काफ़ी फायर देते हैं, कोशिश वोशिश चल रही होती है अपनी भी। साथ वाला बोलता है पीछा करते हैं इसका। तो अब सीधे कर देते हैं यार इनके ऊपर रश। अब ये दो ही होते हैं, तो अपने को पता होता है कि 2v2 है। तो यहाँ पर यार सामने होता है बंदा, अब देते हैं इसे डैमेज। अब इसे डैमेज मिल गया होता है और अपने को पता होता है कि दो बंदे हैं,
तो दूसरा वाला अपने को लगता है बगल वाली बिल्डिंग में है और पहला वाला इस वाली बिल्डिंग में है, तो पहले यार यहाँ पे नेट एडिट करते हैं अपने लोग। अब यहाँ पे एक नेट करता हूँ मैं, उसके बाद कूदता हूँ यार, एक तो जाता नहीं है अंदर वो, फिर मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ, तो फिर यहीं से सामने से आने लग जाते हैं फुट स्टेप, तो मेरे को ऐसा लगता है करके ऊपर है बंदा, जबकि नीचे होता है बंदा, नीचे वाले रूम में बैठा हुआ होता है। और मुझे कंफर्मेशन कब होती है कि वो बंदा नीचे, जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ। तो बढ़ते हैं इसको भी, अब बारी थी इसके साथ वाले की, तो उसके साथ वाला ऊपर बैठा होता है जस्ट सामने, तो इन्हें बनने के बाद यार अब बारी थी जोन में जाने की। लेकिन जोन में जाते जाते रास्ते में मेंशन पड़ता है, और मेंशन में ड्रॉप मंगा रखा होता है बंदों ने। तो यार हम लोग यहाँ पर कवर ओवर ले लेते हैं अच्छे से, और सामने बंदे होते हैं, और तभी पता लगता है कि राइट साइड में भी एक और मतलब स्क्वाड आ चुकी है। तो यार राइट साइड वाले स्क्वाड में से एक बंदा तो पूरा का पूरा खा जाता हूँ मैं। तो बारी होती है यहाँ से निकलने की, तो यहाँ से निकल के यार हम लोग कहीं जाने वाले नहीं होते, यहाँ से निकल के हम लोग स्क्वाडर जाते हैं। तो चलो यार मैं पहले आपको मैप दिखाता हूँ। तो ये रहा मेंशन का मैप, और हम लोग हैं इस जगह पे, और जिस बंदे को अभी मैंने खाया था नई स्क्वाड का, वो बंदा होते हैं यहाँ पे, और जिस बंदों ने ड्रॉप मंगा रखा होता है वो बंदे होते हैं यहाँ पे। तो यार अभी अब हम लोग यहाँ से निकल के स्क्वाड हाउस में जा रहे हैं। अब स्क्वाड हाउस पहुँचते हैं तो पता लगता है नए बंदे आ चुके हैं यहाँ पे, तो तीन स्क्वाड है ओवरऑल। तो अभी यार हम यहाँ पर मैं सीधे सीधे स्क्वाड हाउस में पहुँच चुके हैं वो अपने लोग। अब स्क्वाड हाउस में देखता हूँ मैं, पहले सोचता हूँ इसे थोड़ा बहुत डैमेज दूंगा, क्योंकि ये लोग स्मोक स्मोक कर देते हैं, ऊपर नीचे भाग रहे होते हैं। यहाँ तो मैं इसे डैमेज दे नहीं पाता हूँ। अब यार मैं सोचता हूँ कि बालकनी में जाऊँगा, अब कोई भी निकलेगा तो सीधे उसे फोड़ेंगे, और तब तक वहाँ पर लड़ाई ख़त्म हो चुकी होती, तो इसे ही भरते हैं आखिरी को। अब मैं यार आपको बताता हूँ अब रियल में हुआ क्या। तो यार जिन लोगों ने ड्रॉप मंगाया था वो आगे वालों से भिड़े होते हैं, उनमें से उन्हें वो लोग ख़त्म कर देते हैं। तो उसके बाद यार साइड में जाके रश मारता है, और उसे मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं बचा होता हूँ स्क्वाड हाउस में, और सामने वाले बंदे बचे हुए होते हैं आखिरी बंदे, बाकी उस साइड के दोनों स्क्वाड ख़त्म हो चुके हैं। तो यार अब बारी होती सामने वाले की, तो इसे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ यहाँ। अभी हील मार रहा होता है मस्त बैठ के, तो मैं दिखती है एक गाड़ी जाते हुए। अब इस गाड़ी में तो हो गया होता है डैमेज, तो ये गाड़ी यार उनके घर के पीछे जाके ग्राउंड में लेट मतलब रुक गई होती है, वहाँ लेट गए होते हैं ये लोग, तो ऐसे करते हैं नॉक। अब आ रही थी सीधे इन पर रश मारने की, तो इतना तो मेरे को भी पता था कि यार वहाँ तक पहुँचने तक तो वो रिवाइव हो जाएगा, और अपने बहुत कम चांसेस है अगर वो बालकनी में आ गया तो हम पे डायरेक्ट शूट वूट करके अपने को दोनों को ख़त्म कर देंगे वो दोनों। लेकिन फिर भी अपने लोग रश मार देते हैं इनके ऊपर। अब सीन ये होता है करके कि ये लोग ऊपर स्मोक स्मोक कर देते हैं, तो मैं सोचता हूँ सीधे बालकनी में दौड़ जाता हूँ, अपने साथ वाले से बोलता तू रश मार, मैं बैकअप दूंगा। तो यार ऐसा करने का ड्यू में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब जैसे मेरे साथ वाले ने नॉक निकाला एक, और बाकी को मैंने ख़त्म कर दिया। तो अब सीन ये होता है करके कि यार अब पीछे दो बंदे लेटे हुए होते हैं, पीछे पड़े हुए होते हैं, मेरे साथ वाला उन्हें देख भी लेता है, तो बार थी उनके ऊपर रश मारने की। तब मतलब लोग यहाँ से सीधे सीधे उनके ऊपर रश मार देते हैं, लेकिन थोड़ा सा कवर अवर से होते हुए। तो मैं यहाँ से जा ही रहा होता हूँ, तभी एक बंदा अचानक से उठता मशीन में खोल देता है, तो वह इसके डाउन होते हैं, तो साथ वाला मेरे पे चला देता है मतलब पूरी गन खोल देता है अपनी, सामने लेटा होता है, मैं मार करता हूँ, मेरे साथ वाला उसे ही ख़त्म कर देता है। तो यार इन दोनों को तो बहुत इजीली भर देते हैं, और इनके साथ ही बचे हुए होते हैं। अब उन्हें थोड़ा बहुत ढूंढते डांटते हैं, तो यहाँ पर वो लोग हमें मिलते नहीं हैं। तो यार अब सीन होता है जोन में जाने का, और जोन बना होता है यासना के उधर पे। अब जोन बना होता है यहाँ पे, और हम लोग होते हैं यहाँ पे। तो यार हम लोग सीधे सीधे जोन में आ जाते हैं, और उसके बाकी के दोनों साथी मर जाते हैं, तो अभी 2v4 है अपना मामला। तो अब यहाँ पर हम लूट वूट करते हैं मस्त, और सब कुछ मिल चुका होता है अपने पे। अब बस बारी थी उन चारों की, तो हम लोग यहाँ पर यार सीधे सीधे ऊपर छत में चले जाते हैं, क्योंकि अपने को पता था कि आसपास पूरा ओपन एरिया है। तो अपन लोग यहाँ पर छत में जाते हैं। अब मेरे को उतने में आवाज़ आती है गाड़ी की, जो 20 से यास नगर 20 से जा रही होती है, तो उसी में होते हैं चारों के चार बंदे। तो देखो कैसे बढ़ते हैं इन चारों को।
तो यार इन लोगों को हम लोग फुल फायर देते हैं और ये लोग हमारी तरफ आने की बजाय मतलब ओपन में रोक देते हैं गाड़ी, और कसम से वहाँ पर होता है मौत का नंगा नाच। फिर देखो कैसे भरते हैं इन चारों को। तो यार आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत और बेल आइकन को दबाना भूलना मत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।